हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी चैनल। सो इस वीडियो सीरीज में मैं बात करूंगा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो यहां पर कई सारी वीडियोज आएंगी जिसमें मैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट की। सो कोई भी मेटाबॉलिक सेल है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बहुत सारे सब्सट्रेट बनते हैं और सेल को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। सो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी फंक्शंस के लिए सेल के अंदर, सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आते हैं और अंदर से बाहर जाते हैं। सिंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरफ काम करती है तो कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी आयन या फिर कोई भी कंपाउंड ईजिली सेल में एंटर नहीं कर पाता है, इसलिए सेल को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सिलेक्शन करती है कि कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से कंपाउंड्स सेल में एंटर कर पाएंगे और कौन से नहीं, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो हम यहाँ बात करते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट की। सो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी तरह के कंपाउंड का, बायो मॉलिक्यूल का, प्रोटीन्स का, या फिर कुछ भी सेल को, सेल के अंदर आना या सेल से बाहर जाना, उसको हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो सेल, कोई भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है तो उसमें, सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कई बार कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जो ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स होती हैं। सो सेल से सीक्रेट होकर उनको वो बाहर जाती हैं। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो सेल के अंदर आती हैं। कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन, ये भी सेल में अंदर सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर आता है। सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो हम डिस्कस करेंगे उनको डिटेल में। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। सेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का, आयंस का क्रॉस करना और सेल में एंटर करना या सेल से बाहर जाना सेलुलर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। सो इट इज़ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरफ करती है तो इसको हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। सो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है, वहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इट इज अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? यहाँ पर हम सपोज करते हैं एक बीकर है। यहाँ पर एक बीकर हमने लिया। बीकर में पानी भरा हुआ है और हम उसमें शुगर सिरप ऐड करते हैं। तो शुगर सिरप जहाँ पर ऐड करेंगे इस पोर्शन में यहाँ पर, या फिर बेटर हम दो बीकर लेते हैं डिफरेंट। हमने यहाँ पे दो बीकर लिए, ये ग्रीन कलर से, एक में शुगर सिरप है और एक में नॉर्मल वाटर है। एक में वाटर है, एक में शुगर सिरप है। अब हम देखते हैं कि दोनों, एक में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सर्टेन अमाउंट में है, 1 मोल 2 मोल कुछ भी हम कंसिडर कर लेते हैं, एक्स मोल यहाँ पर है, और यहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन जीरो है। यहाँ शुगर नॉर्मल वाटर है, इसमें कुछ भी शुगर डिजॉल्व नहीं है। सो इन दोनों बीकर्स में जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है, इनका जो डिफरेंस होता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, और ये जितना ज़्यादा होता है उसको उतना ही बड़ा ग्रेडियंट कहते हैं। तो अगर यहाँ पर वन मोल शुगर सिरप कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है और यहाँ पर 0 मोल पर लीटर है, तो इसका जो डिफरेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा वो 1 मोल पर लीटर है। सो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन या कंपाउंड अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव इज अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो जब भी कोई सॉल्यूट अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। सो अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर शुगर सिरप से शुगर वाटर की तरफ
मूव किए करें, वाटर वाले बीकर की तरफ मूव करें। मूव करें का मतलब अगर हम ट्रांसफ़र करें तो ये डिसॉल्व हो जाएगी और पूरे वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। वाटर और शुगर सिरप दोनों को जब डिसॉल्व कर देंगे एक दूसरे में तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसमें शुगर सिरप का कंसंट्रेशन घट जाएगा। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसमें दो तरह की इसमें मैकेनिज्म्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन की हम बात करते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। सो डिफ्यूजन वो फिनोमिना होती है जिससे कोई भी सॉल्यूट या कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑयल, कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड डिफ्यूज कर जाता है सराउंडिंग में जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम होता है और इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं परफ्यूम का या फिर अगरबत्ती का। सो जब कभी हम कोई भी सेंट या फिर अगरबत्ती हम उसको जलाते हैं सो वो जहाँ पर जिस पर्टिकुलर स्पेस में वो अगरबत्ती या सेंट जल रही होती है वहाँ से फिर पूरे कमरे में फैल जाती है। सो एक जगह एक पॉइंट पर अगरबत्ती और सेंट का कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा रहता है और फिर वहाँ से ये धीरे धीरे पूरे कमरे में स्प्रेड होने लगती हैं। तो क्या ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं सेंट? तो हम इसको क्या देखते हैं, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है। बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन सिंपली मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव होना। तो कोई भी सॉल्यूट अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के सो वो डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन यहाँ पर दो टाइप का है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो उसकी हम अभी बात करेंगे। और दूसरी मैकेनिज्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है और जब एनर्जी इन्वॉल्व हो रही तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है अनलाइक पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर इसकी दो मैकेनिज्म्स हैं, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव, और ये दोनों कैरियर मीडिएटेड होती हैं। अभी मैं कैरियर मीडिएटेड, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, इन सब की हम आगे वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज हम अभी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, थ्रू चैनल एंड थ्रू कैरियर। ये बेसिकली प्रोटीन होती हैं जो चैनल बनाती हैं या फिर कैरियर बनाती हैं, इनकी भी हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं सिंपल डिफ्यूजन पर। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक सेल ली है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल में बार बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पर रेस्पिरेशन होता रहता है। रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस होती रहती है और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल में कम होता है क्योंकि लगातार उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है। और जो बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है जो ट्रांसपोर्ट होकर प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है। सो सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो ये मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है ये एक छोटा मॉलिक्यूल है और ये नॉन कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। सो ये ईजिली डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके लिए कोई बैरियर नहीं है। जब ऑक्सीजन बाहर से सराउंडिंग से सेल में एंटर करती हैं अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तो हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लग रही है, ना ही कोई एक्सटर्नल एफर्ट करना पड़ रहा है। सो इसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब सेल जब मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, रेस्पिरेशन चलता रहता है, क्रेब्स साइकिल चलती रहती है, सो CO2 उसमें बनती रहती है सेल में CO2 बनती रहती है। अब सेल को बाहर सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के बाहर CO2 कंसंट्रेशन कम रहता है। सो CO2 बाहर की तरफ ईजिली डिफ्यूज होती है तो इसे भी हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, ये स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं या छोटे मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूट्स होते हैं उनके लिए ये फिनोमिना होती है एंड इट इज़ फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। सो जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजिली
क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बड़े साइज के हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल पोलर नेचर में होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते, लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सो वो एक पोलर मॉलिक्यूल के लिए इम्परमीएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के ही लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमीएबल होती है और वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये सेल में एंटर कर सकते हैं। सो इसके एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल में एंटर करते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। सो वो क्या क्या फैक्टर हैं? सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही हाई रहेगा। इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। सो जैसे प्लाज्मा सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ज़्यादा है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है, सो ईजिली ज़्यादा मतलब कि अमाउंट में डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई रहेगा। तो इसका हम एक बिल्कुल कॉमन सा इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी कमरे में दो डोर हैं और उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा गया बाहर जाइए आप। तो अगर दो डोर से वो लोग बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम पर एक मोमेंट पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा बाहर जा रहे होंगे। बट अगर हम एक डोर को बंद कर दें और एक से हम ज़्यादा कहें जाने को तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे पर डोर पर मोमेंट। सो उसी तरह है डोर सरफेस एरिया की तरह यहाँ पे एनालॉगस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। सॉलिबिलिटी, अब ये जो भी मॉलिक्यूल जिसका भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लिपिड मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर में सॉलिबल है कि नहीं, अगर उसकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है सो उसका वो उसके लिए टोटली इम्परमीएबल ही होगी मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व ही नहीं होगा। सो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की उसमें रिक्वायरमेंट होगी, सो इसलिए ये फिजिकली इम्परमीएबल होती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट विद इन लिपिड बाइलेयर। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। सो ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, और इट इज़ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होता है उतना ही ईजिली डिफ्यूजन होता है, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई रहता है। तो जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज हाई मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड है, तो ग्लूकोज का ईजिली डिफ्यूजन नहीं हो पाता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तभी उसके लिए दूसरी मैकेनिज्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की सिंपल डिफ्यूजन की और ये बताया कि इसके एग्जांपल क्या हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही बेसिक फिनोमिना है, बेसिक मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट की, और इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगते हैं। फिर नंबर टू पर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है यहाँ पर अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ये सेल हैं, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इम्परमीएबल हैं, जो इम्परमीएबल है मतलब पोलर कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे लिपिड बाइलेयर को। और कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत लार्ज साइज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, वो भी इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसमें लिपिड में ये मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं होते हैं, उस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इनका इजीली डिफ्यूजन होना बहुत ही या तो स्लो रेट से होगा या फिर नहीं होगा बिल्कुल भी। सो इनके लिए क्या होते हैं, इनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट तरह की प्रोटीन वर्क करती हैं। ये प्रोटीन कैसे वर्क करती हैं, आइए देखते हैं। ये जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसको एंटर नहीं कर पा रहा है, बट हम यहाँ पे एक कैरियर या ट्रांसपोर्टर हम क्रिएट कर दें या फिर चैनल क्रिएट कर दें। सो अब जैसे कोई भी आयन है उस चैनल को क्रॉस करके इजीली एंटर हो जाएगा। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बैरियर क्या था,
यहाँ पर ये पोलर कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था मेम्ब्रेन में, बाकी ये इसका साइज छोटा था तो ये एंटर कर सकता था, और इसका कंसंट्रेशन भी हाई से लो में ही जा रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, बट द प्रॉब्लम वॉज इट वॉज नॉट डिजॉल्विंग इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द लिपिड बाई लेयर। सो इसलिए यहाँ पर एक चैनल या पोर क्रिएटेड है, अब ये उसके थ्रू पोलर कंपाउंड ईजिली एंटर कर सकता है सेल में। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ प्रोटीन एक चैनल फॉर्म कर रही हैं, जिस चैनल के थ्रू होकर के कोई भी पोलर कंपाउंड ईजिली एंटर कर जा रहा है सेल में। सो इसमें एक्सटर्नल प्रोटीन की ज़रूरत हो रही है, एक चैनल की ज़रूरत हो रही है, इसलिए हम इसको प्रोटीन मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कहते हैं, प्रोटीन मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, या फिर चैनल मीडिएटेड कहते हैं, अगर ये चैनल है तो चैनल मीडिएटेड है। इस तरह से इसे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। एनर्जी इसमें भी नहीं लग रही, इसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मूवमेंट हो रहा है, बट द ओनली डिफरेंस वॉज यहाँ पर चैनल के थ्रू या कैरियर के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। और ये किन कंपाउंड्स के लिए है, फॉर पोलर कंपाउंड्स एंड आयन्स, सोडियम कैल्शियम एट्सेट्रा, ये आयन के लिए है, एंड इट इज़ फॉर लार्जर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, लार्ज मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट एंटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ईजिली। सो ये दो तरह का होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड एंड चैनल मीडिएटेड। अब हम चैनल एंड कैरियर की हम अभी बात करेंगे, कैरियर क्या होते हैं और चैनल क्या होते हैं। अब एग्जांपल की बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जांपल क्या हैं, इसका एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, जब सेल सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या फिर सेल में ग्लूकोज एंटर करता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, सो ग्लूकोज का इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता सेल में, उसके लिए कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन होती हैं जिनको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स कहते हैं या ग्लूट ट्रांसपोर्टर कहते हैं, GLUT, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, उनके थ्रू ग्लूकोज सेल में एंटर करता है। और कुछ एग्जांपल हम इसकी बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, चैनल्स की, तो पोटेशियम लीकी चैनल, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल, इसमें पोटेशियम चैनल रहता है सेल में, वो लीकी चैनल होता है, वो हमेशा ओपन रहता है और उसके थ्रू पोटेशियम हमेशा लीक किया करता है सेल में। मैंने पिछली वीडियोस में सेल सिग्नलिंग की वीडियोस में बताया था कि सेल के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और सेल के बाहर पोटेशियम कम रहता है, पोटेशियम एक ओनली कटायन है जिसका कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा रहता है और बाहर कम रहता है, तो पोटेशियम लीकी चैनल ये हमेशा ओपन ऑल द टाइम एंड अनरेगुलेटेड, इसका कोई रेगुलेशन नहीं होता है और इससे पोटेशियम लीक किया करता है इसके थ्रू। तो ये चैनल, ये भी एग्जांपल है चैनल प्रोटीन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ये वो आयन चैनल है, इनका रेगुलेशन तो होता है बट ये है भी आयन चैनल ही, इनमें भी डिफ्यूजन हो रहा है, बट द थिंग इज इनका रेगुलेशन किया जा रहा है डिफरेंट मैकेनिज्म से। वोल्टेज गेटेड इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनको रेगुलेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तभी ये चैनल ओपन होंगे और तब इनके थ्रू आयन्स अंदर या बाहर जा सकेंगे। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, इनको गेटिंग इनकी वोल्टेज के थ्रू हो रही है, वोल्टेज दैट मीन्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और कुछ चैनल्स होते हैं जो लाइगेंड गेटेड होते हैं, इनको लाइगेंड गेटेड लाइगिंग ऑपरेटेड आयन चैनल कहते हैं। इसकी भी मैंने बात की थी सेल सिग्नलिंग वाले लेक्चर्स में, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम ये चैनल होते हैं, और लाइगेंड यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, एस्टाइल कोलिन, न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स। मैंने न्यूरो ट्रांसमीटर में बात की थी गाबा ट्रांसमीटर की, गाबा भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये भी इनहिबिटरी सिस्टम कर रहा था, वहाँ भी मैंने क्लोराइड चैनल की बात की थी, एस्टाइल कोलिन की भी मैंने बात की थी, और कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो चैनल को ओपन करते हैं एज ए लाइगेंड वर्क करके। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं आयन चैनल के, ये आयन चैनल सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इनमें होता है, और इनमें इनका मतलब चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सो अब जैसे बात करें यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग लाइगेंड गेटेड चैनल की, तो इस तरह की ये कोई चैनल रहता है, इसमें ये चैनल यहाँ पर है, एकदम डायग्राम दिखाया मैंने, ये कोई ये चैनल है, ये चैनल है, और इसमें कोई यहाँ पे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन रहता है जिससे कोई लाइगेंड बाइंड करेगा और फिर जो भी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी आयन से उनका अंदर या फिर बाहर जो भी ट्रांसपोर्ट होना है वो होता है। तो इसमें क्या यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइगेंड बाइंडिंग
बाइंडिंग डोमेन में यहाँ लाइगेंड बाइंड कर रहा है और इसको तब ओपन कर रहा है। अगर ये लाइगेंड बाइंड नहीं करेगा तो ये चैनल बंद रहेगा। और उसी तरह कुछ चैनल होते हैं जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिनमें वर्क करता है, उसमें जब पर्टिकुलर सेल एक पर्टिकुलर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा सेल का, तभी वो चैनल ओपन होंगे और तभी डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस एंटर कर पाएंगे सेल में। सो ये आयन चैनल की बात की मैंने, चैनल प्रोटीन की बात की। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, कैरियर ट्रांसपोर्टर या परमिएज और चैनल प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। सो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम बात कर रहे थे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, दो टाइप के उसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, या तो चैनल प्रोटीन होती हैं या कैरियर प्रोटीन होती हैं। इसके एग्जांपल मैंने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात की थी और आयन चैनल की बात की थी। अब हम बात करेंगे कैरियर और चैनल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। सो कैरियर कुछ इस तरह वर्क करते हैं, ये भी प्रोटीन होती हैं और चैनल भी प्रोटीन होती हैं, बट इसमें बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस ये है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। सो कैरियर में दे स्पेसिफिकली बाइंड वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो भी कैरियर के थ्रू जो भी सॉल्यूट या मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना होता है, वो एक साइड मेम्ब्रेन की एक तरफ बाइंड करता है, एक्सटर्नल साइड पे वो बाइंड करेगा। एंड कैरियर अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। जो कैरियर प्रोटीन होगी वो कन्फॉर्मेशनल चेंज उसमें होगा एंड देन इट रिलीजेस मॉलिक्यूल टू अदर साइड। ये दूसरे साइड में मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। अब इसका बेटर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्लाज्मा बाहर से कोई ये पिंक कलर का सॉल्यूट या मॉलिक्यूल आता है, यहाँ बाइंड करता है, फिर इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और ये कन्फॉर्मेशनल चेंज होने के बाद ये फिर दूसरे साइड से ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के सेल में एंटर कर जाता है, सेल में आता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें बाहर की तरफ से मॉलिक्यूल नॉन कोवेलेंटली बाइंड कर रहा है और फिर कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है कैरियर में और फिर अंदर की ओर मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है। तो ये होता हो गया मैकेनिज्म कैरियर ट्रांसपोर्टर का। अब हम बात करते हैं चैनल की। चैनल एक स्पेसिफिक पोर जैसे होते हैं। यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक पोर है, ये हमेशा ओपन रहेगा या इनका रेगुलेशन होगा, बट इनमें कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होता है। इनमें कोई भी मॉलिक्यूल ईजिली एंटर करके निकल जाएगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होना कि यहाँ पर बाइंड करे और फिर उसमें कन्फॉर्मेशन चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बाइंड बस इसमें डायरेक्ट ही मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब ये बेसिकली कैसे बने होते हैं चैनल? चैनल में जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो ऑलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स होती है। ऑलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स में कई सारी सब यूनिट्स होती हैं और जो अमीनो एसिड की जो चेन होती है, जो हेलिक्स होती है, जो पेप्टाइड होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को फेस करती हैं, वो वहाँ के अमीनो एसिड नॉन पोलर होते हैं और जो अंदर की अमीनो एसिड वो पोलर होते हैं। सो एक पोलर पैसेज प्रोवाइड करते हैं, वो पोलर पैसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू इजीली पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर कंपाउंड एंटर कर जाएं। सो ये चैनल अब ये लेस स्टीरियो स्पेसिफिक, ये चैनल कम स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि इनमें कोई करियर की तरह कोई बाइंड करने का सिस्टम नहीं, इनमें इजीली निकल जा रहा मॉलिक्यूल कोई भी पोलर कंपाउंड एंटर करके निकल जा रहा है दूसरी तरफ, तो इसमें ये स्टीरियो स्पेसिफिक कम होते हैं एंड नॉट सैचुरेबल। सैचुरेबल भी नहीं होते। सैचुरेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व, कोई बहुत कोई टाइम लग रहा हो उसमें और कोई भी नंबर। इसमें सैचुरेबल का मतलब है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पर उसमें कोई भी मतलब पेंडिंग मोमेंट नहीं होता कि थोड़ी देर उसमें टाइम लगे ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पर इजीली एंटर करते हैं और तुरंत रिलीज हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ करियर ये तो हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं, ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी कंपाउंड जो पर्टिकुलर उसका कोई कैरियर है उसी में बाइंड करेगा, दूसरे में बाइंड नहीं कर सकता है। ये बहुत स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं और ये सैचुरेबल भी होते हैं। सैचुरेबल मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जब होता है इन चैनल्स के तो इन कैरियर के थ्रू, सो उसके एक पर्टिकुलर उसका रेट होता है, उससे ज़्यादा फिर नहीं हो पाएगा एक टाइम पर, उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक जैसे ग्लूकोज का जब ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनको ग्लूट मैंने कहा था, जो डी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एल ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं।
इतने ज़्यादा स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब माइनर चेंज इन कन्फॉर्मेशन या ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इनको इफेक्ट करता है। तो बिल्कुल ये हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं और ये सैचुरेबल होते हैं एंजाइम्स की तरह। एंजाइम कैसे वर्क करता है, एंजाइम का भी एक पर्टिकुलर सैचुरेशन रेट होता है, उसके बाद एंजाइम में आप चाहे जितना सब्सट्रेट ऐड कर दो उसका वो नहीं बढ़ता है, लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है। उसी तरह यहाँ पर भी तुम आप एक तरफ कितना भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दीजिए बट रेट ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, इसलिए सैचुरेबल होते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लो कम्पेयर टू चैनल, इसमें लो होता है, इसमें जब कोई बाइंड कर रहा है फिर कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है तब दूसरी तरफ रिलीज हो रहा है, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है चैनल के कंपैरिजन में। चैनल में सिंपली एंटर करता है और फिर सेल में रिलीज हो जाता है सेल के अंदर। मेरी कैरियर प्रोटीन फंक्शन इन मोनोमेरिक फॉर्म, तो कैरियर प्रोटीन इसमें जो मैंने बताया कि चैनल मैंने बताया मोस्ट चैनल्स आर ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल ऑफ एन आइडेंटिकल सब यूनिट। ये जो चैनल होते हैं ये कई सारी सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो कैरियर होते हैं ये मोनोमेरिक होते हैं, इनमें से हैं कैरियर और चैनल को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंपल ये एक प्रोटीन है मोनोमेरिक फॉर्म में, ये एक कैरियर बना रही है। अब कैरियर यहाँ पर कैरियर की एक तरफ कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर बाइंड कर रहा है और बाइंड करने के बाद उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है कैरियर में एंड देन दूसरी तरफ से वो रिलीज किया जा रहा है। बट इन केस ऑफ चैनल में ऐसा नहीं होता है, चैनल भी डिफरेंट कई सारे प्रोटीन या पेप्टाइड का बना होता है, जैसे यहाँ पर खूब कई सारी पेप्टाइड्स का ये बना होता है, और फिर जो इसमें बाहर की तरफ जो पेप्टाइड रहती हैं जो लिपिड बाई लेयर को फेस करती हैं उनके अमीनो एसिड वो नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं और जो अंदर के रहते हैं वो पोलर अमीनो एसिड होते हैं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा। सो अभी हमने यहाँ पर बात की चैनल और कैरियर की, सो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया कि चैनल कम स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड नहीं होते हैं और ये ऑलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहीं हमने बात की करियर की, करियर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं और में रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेरेटिवली लो होता है और ये सैचुरेबल होते हैं और ये बेसिकली मोनोमेरिक फॉर्म में फंक्शन करते हैं। सो अब हमने यहाँ पर करियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड मैकेनिज्म्स की बात की, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के एग्जांपल्स की बात करेंगे, उसमें हम कैरियर मीडिएटेड और कैरियर मीडिएटेड और चैनल मीडिएटेड डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे। सब उसमें मैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की बात करूँगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और उसके बाद मैं बात करूँगा क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर की, और चैनल मीडिएटेड में एक्वापोरिन या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स होते हैं आयन चैनल, उनकी बात भी करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर आपने अब तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा हो उस पर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि एक वीडियो मैं आपके कंटेंट पर आपके टॉपिक पर भी मैं बनाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।